सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आज मेरी वीडियो सहजन की कड़ी का है। सहजन की कड़ी, सहजन तो उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, वो आप सब जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा वेजिटेबल है जो इस वेजिटेबल में बहुत सारा कैल्शियम, मिनरल्स, हीमोग्लोबिन बहुत सारे पाए जाते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, लेकिन उसकी सब्जी खाने में काफी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी सब्जी खाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसकी कड़ी बहुत आसानी से बनती है। तो आइए आज मेरे वीडियो में सहजन की कड़ी कैसे बनती है वो आप देखें। ये सहजन की ये जो फलिया है इसे मैंने बॉईल कर दिया है। थोड़ी ये जो बाकी है वो मैंने रखी है, क्योंकि वो कढ़ी में मैं डाल दूंगी, लेकिन इसे बॉईल की हुई जो फलिया है उसे ऐसे मसल दो। ऐसे मसलने से उसका पूरा जो पल्प है वो पानी में आ जाएगा और उसका पूरा मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम वो सब पानी में आ जाएगा। थोड़ा हम पानी डालते हैं और उसे आसानी से उसका पल्प, अब मसलेंगे तो उसका पल्प आसानी से पानी में आएगा। अब बस उसे ऐसे मसलिए, अच्छे से मसलिए कि जे क्योंकि उसकी फली में बिल्कुल पल्प ना रहे। देखिए ये मैंने पूरा मसल दिया है। बस इस तरह मसलने से उसका पूरा पल्प इसमें आ गया है, क्योंकि उसकी सब्जी खाने में बहुत टाइम भी लगता है और पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलता। बिना दांतों वाला तो ये सब्जी खा ही नहीं सकता। तो आज इसकी कड़ी में पूरा मिनरल्स हम उतार लेते हैं। बस इस तरह आप ये छान लीजिए। अब देखिए ये पूरा पल्प निकल आया है। आपको इस पल्प को इसी छाछ में डाल देना है। हो गया। अब इसमें हम थोड़ा बेसन डालेंगे, क्योंकि कढ़ी में बेसन तो पड़ता ही है। अब 2 चम्मच बेसन डालेंगे। आपको जितनी गाढ़ी खानी है उसके हिसाब से आप डालिए बेसन। अब इसका मैं ये बोल देती हूँ, ये सहजन की थोड़ी फलियाँ मैंने बाकी रखी है जैसे चूसने काम में आएगा। ये है राई, उसके तड़के के लिए राई, जीरा, मेथी, डेगी मिर्च और धनिया, सूखा धनिया और ये कड़ी पत्ता। अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। घी की पतीली है, घी बनाया था वही पतीली में मैं कढ़ी को झोंक रही हूँ। तो हमेशा आप जब भी कढ़ी बनाएं तो कढ़ी में हमेशा घी का झोंक लगाना चाहिए। ये मैं घी का चौक लगा रही हूँ। घी का चौक लगाने से कढ़ी हमारी खट्टी नहीं होती। अब हम जब घी गर्म होगा तो पूरे मसाले अंदर डाल देंगे। फिर से देखिए आप, कढ़ी में हमेशा 5 मसाले पड़ते हैं। ये मेथी दाना, जीरा, राई, धनिया, साबुत धनिया और लाल मिर्च, ये पूरा इकट्ठा करके हम इसे लगाएंगे उसका चौक। ये वगार होता है तब तक ये फलियां हम इसमें डाल देंगे और ये है लाल मिर्च और लहसुन चॉप किया हुआ, ये मैं ऐसे ही डाल रही हूँ।
आपको वगार में गम अच्छा लगे तो वगार में डालिए आप, मुझे कच्चा अच्छा लगता है, फिर उबलेगा तब पक जाएगा। ये है कड़ी पत्ता, कड़ी है तो कड़ी पत्ता तो लगेगा ही, जब तक ये बघाराएगा तब तक हम इसमें मसाले कर देंगे, हल्दी और नमक, क्योंकि नमक पहले से डालने से आपकी कड़ी फटेगी नहीं। और मैं इसमें कम नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सहजन को जब उबाला था तब इसमें नमक डाला ही था। अब इसको मिला लेते हैं। ये सहजन की कड़ी खाने के फायदे अनेक हैं क्योंकि उसमें पूरा मिनरल्स, कैल्शियम और विटामिन्स कई सारे पाए जाते हैं। वो हमारी डाइट में उसको हमेशा वीक में दो बार शामिल करना चाहिए। अब इसका वगार आ चुका है, अब इसे हम तो जिन लोगों को सहजन की सब्जी खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसकी सब्जी खाने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि एक एक फली को दांतों से चूसना पड़ता है तभी उसका पल्प हमारे बॉडी में जाता है, लेकिन उसको उबाल के फिर उसको मसल देने के उसका पूरा पल्प इसी में ही आप छाछ डाल दो, बेसन डाल दो, तो उसका पूरा मिनरल्स अंदर हमारी सब्जी में आ जाएगा। बस उसे एक दो उबाल ला दीजिए। अब उबाल हमारा आ चुका है और बस एक दो उबाल या ज़्यादा आपको जितनी गाढ़ी चाहिए उसके हिसाब से आप कड़ी को उबालिए। बस इस तरह से हमारी कड़ी तैयार है। जिस लोगों को ये कड़ी सहजन की सब्जी खाना ना पाए वो आसानी से ये सब्जी खा सकते हैं क्योंकि उसका पूरा पल्प हमने कड़ी में डाल दिया है। देखिए ये उबाल आ चुका है और हमारी कड़ी तैयार है। ये कड़ी आप चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, रोटी पराठे जिसके भी साथ आप खाना चाहे वो खा सकते हो। बहुत आसानी से कड़ी बनती है। हाँ, आपको अगर मीठा पसंद है तो थोड़ा गुड़ डाल सकते हो आप, क्यों, लेकिन हमारे घर में खट्टी कड़ी खाई जाती है इसीलिए हम इसमें गुड़ नहीं डाल रहे। बस उसका जो झोंक लगा रहे हो इसमें 5 मसाले का झोंक लगाओगे, जैसे रई, धनिया, साबुत धनिया, मेथी दाना, जीरा और खड़ी मिर्च, तो आपकी सब्जी कड़ी बहुत बढ़िया बनेगी। देखो अब मेरी कड़ी तैयार है, मैं उसको निकाल के आपको बता रही हूँ। देखिए सहजन की कड़ी तैयार है। चावल, रोटी, पराठे, खिचड़ी किसी के साथ भी आप खा सकते हो और सहजन की सिंग का पूरा लाभ आप उठा सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।